मैट्रिक्स स्पेस की एग्जांपल्स का एक और एडिशन इस मॉड्यूल के अंदर. हम दो और एग्जांपल्स करेंगे. एक हमारे पास जो सेट होगा वो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस होगा, एंड देन वी हैव अ सेकंड एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस. ठीक है, फंक्शन स्पेस सी ए बी एंड सेकंड इज डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन स्पेस को देखते हैं. फंक्शन स्पेस क्या है? फंक्शन स्पेस बेसिकली आपके पास इसके अंदर जो फंक्शन स्पेस के अंदर अगेन यू नीड अ सेट एंड यू नीड अ डिस्टेंस, यू नीड अ डिस्टेंस फंक्शन. ओके, सो डिस्टेंस फंक्शन डी. सो सेट इसमें क्या है? सेट एक्स, वी टेक सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस. ठीक है, अब आपके पास सेट के अंदर जो एंट्रीज पड़ी हुई है वो बेसिकली आपके पास फंक्शंस हैं, लॉट ऑफ फंक्शंस. ठीक है, वो आपके पास इनफाइनाइट सेट है और उसके अंदर आपके पास जो है वो यू हैव लॉट ऑफ फंक्शंस. ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए कि अगर हम इसको कंपेयर करें कैलकुलस के साथ, तो कैलकुलस के अंदर आपके पास क्या है? कैलकुलस के अंदर आपके पास 1, 2, 3, 10 कुछ फाइनाइट मेनी ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो. ठीक है, लेकिन इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया दैट अब आपके पास वो जो पूरी की पूरी कलेक्शन है उसके अंदर एक पूरा फंक्शन. ठीक है, एक्स क्या है इस केस में? एक्स केस आपके पास एक पूरे का पूरा फंक्शन है. वो फंक्शन इटसेल्फ जस्ट एक पॉइंट है उस सेट के अंदर. ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक्स एक फंक्शन है, वाई एक फंक्शन है, लेकिन जब हम इसकी फंक्शन स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक छोटी सी कंडीशन और भी है कि एक तो आपके पास विच इज अ फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल टी, आपके पास इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल जो है वो टी की फॉर्म में है, एंड सेकेंडली दैट ऑल फंक्शंस डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन गिवन क्लोज इंटरवल. ठीक है, कि हमने जो डोमेन ऑफ फंक्शन है उसको फिक्स कर दिया कि डोमेन जो है वो आपके पास ए बी होगी तमाम फंक्शंस की. एक्स एक डिफरेंट फंक्शन है, वाई एक डिफरेंट फंक्शन है, जेड एक डिफरेंट फंक्शन है, जितने भी उसके अंदर फंक्शंस पड़े हैं वो एक डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, वेरिएबल हमने फिक्स कर दिया, टी वेरिएबल है, कोई भी और वेरिएबल फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि आपके पास डोमेन सबकी जो है वो ए बी फिक्स है. ठीक है, आप मतलब x लेते हो, x इज अ फंक्शन फ्रॉम ए बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका आंसर आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है कि रेंज आपके रियल नंबर में से है, एंड सेकंड क्या है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, सो दिस इज द सेट जिसके अंदर आपके पास फंक्शन सारे पड़े हुए हैं. देन व्हाट यू नीड? वी नीड इट्स डिस्टेंस फंक्शन. ठीक है, अब हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इस सेट के ऊपर. तो डिस्टेंस फंक्शन के अंदर यू नीड टू पॉइंट्स, से एक्स एंड वाई, और एक्स वाई जो है वो आपके पास दैट बिलोंग टू फंक्शन स्पेस सी ऑफ ए बी. ठीक है, एक्स वाई आपके पास फंक्शन स्पेस में से है, ए बी में से. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक फंक्शन है, वाई एक फंक्शन है. ठीक है, और ये फंक्शन कैसे हैं? ये आपके पास टी वेरिएबल के अंदर है, यानी कि एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, मोर ओवर ये रियल वैल्यूड है, कि इनकी वैल्यू जो है आपके पास रियल नंबर आएगी. ठीक है, ऑलवेज इट बिलोंग टू आर एंड दिस बिलोंग टू आर एंड देन दीज फंक्शन आर कंटिन्यूस. ओके, तो अब आपके पास, अब हम इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन दिस फंक्शन स्पेस, इट इज डिफाइंड बाय, यू हैव एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी एंड देन उसका डिफरेंस मॉड फंक्शन. एंड ऑफकोर्स ये आपके पास जो सारे के सारे फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो ए बी से फिक्स है, इंटरवल ए बी, जिसको हमने जे का नाम दिया. ठीक है, तो एक्स एक फंक्शन है जो इस से रियल के ऊपर है, यानी कि एक्स इज डिफाइंड बाय इंटरवल ए बी टू आर एंड वाई इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय ए बी टू आर. ठीक है, इसकी वैल्यूज आर के पास आर में से है. तो आपके पास जो आप डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हो, एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, सारी की सारी वैल्यूज जो टी जो है वो टी रन ओवर जे, जे आपके पास ए बी इंटरवल है, और तमाम हमने जो वैल्यूज ले ली जे के एलिमेंट्स में से, एंड देन वी टेक इट्स मैक्सिमम, देन दिस इज डिफाइंड टू बी, दिस इज डिफाइंड टू बी डिस्टेंस फंक्शन इन दिस केस. ठीक है, कि आपके पास जे, आपके पास डोमेन है टी, जे में से हमने लिया, एक्स ऑफ टी को वैल्यूएट किया, वाई ऑफ टी को वैल्यूएट किया, और सारी की सारी एंट्री जितनी भी जे के अंदर है उनमें से हमने
वन बाई वन इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट किया, इनका डिफरेंस लिया, इनका हमने मॉड फंक्शन लिया. मॉड फंक्शन लेने के बाद उन तमाम वैल्यूज का में से हमने उन तमाम वैल्यूज का मैक्सिमम ले लिया. वो जो तमाम वैल्यूज का मैक्सिमम होगा वो बेसिकली उन दो फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस तो इटसेल्फ इस केस में उन फंक्शन के दरमियान है. एक्स भी एक फंक्शन है, वाई भी एक फंक्शन है, उनका जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है दैट इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला. यानी कि आपके पास जो सेट है, सेट आपके पास पूरे का पूरा कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस है, उसके अंदर आपके पास फंक्शंस पड़े हुए. अब फंक्शंस के दरमियान जो हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया वो हमने इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें देखा कि आपके पास जो है वो उसको जो जे के ऊपर क्योंकि डिफाइंड है, जे में वैल्यूज देते रहे, दोनों का डिफरेंस लेते रहे, उनका मॉड फंक्शन ले लिया, जो मैक्सिमम हुआ वो आपके पास जो है वो उसका हमने उसको बिटवीन दोज टू फंक्शन उनको डिस्टेंस का नाम दिया. ठीक है, तो विद दिस फंक्शन, विद दिस डिस्टेंस फंक्शन अलॉन्ग विद सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन डिफाइंड ऑन जे दैट फॉर्म अ मैट्रिक्स स्पेस. ठीक है, एंड दैट इज योर मैट्रिक स्पेस. एंड देन वी हैव वन मोर डेफिनेशन, वन मोर एग्जाम्पल, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ मैट्रिक्स स्पेस. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस. अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस. तो मैट्रिक्स स्पेस के लिए यू नीड अ सेट एक्स. ठीक है, अब ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर सेट एक्स कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इट कुड बी रियल नंबर आर क्यूब, आर एन, उसके बाद जनाब ये फंक्शन हो सकता है, ये सीक्वेंस, सेट ऑफ सीक्वेंसेस, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, देन वी नीड अ डिस्टेंस फंक्शन डी. अब डिस्टेंस फंक्शन इसमें जनरलाइज है, वो ये है कि अगर हम दो एलिमेंट्स लें इस एक्स में से और वो दो एलिमेंट्स सेम हो देन इट्स डिस्टेंस जो है वो आपके पास जीरो है. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स लें, अगर एलिमेंट सेम है तो डिस्टेंस जीरो, अगर एलिमेंट डिफरेंट है डिस्टेंस वन. ठीक है, तो हमने इसको फिक्स कर दिया. यानी कि आपके पास क्या है कि सेट एक्स फिक्स है, सेट एक्स के अंदर कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं. ठीक है, लेकिन हमने जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया वो जनरलाइज कर दिया, जो एक्स पे, जो सेट एक्स पे ऐसा जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा. क्यों? कि आपने उसको डिस्टेंस फंक्शन को ऐसे लिया है कि अगर दो एलिमेंट्स सेम है तो डिस्टेंस जीरो है, अगर दो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं उस सेट में से हमने लिए तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो आपके पास वन है. ठीक है, जीरो और वन टू ऑप्शन है. ठीक है, तो विद दिस डेफिनेशन ये आपके पास जो है ये दिस इज अगेन फॉर्म्स अ मैट्रिक्स स्पेस. एनी सेट एक्स उसमें से डिस्टेंस फंक्शन डिस्टेंस जीरो अगर एलिमेंट्स दो सेम लिए सेट में से, डिस्टेंस वन अगर एलिमेंट दो डिफरेंट लिए सेट में से, एंड विद दिस डेफिनेशन इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स स्पेस एंड दैट मैट्रिक्स स्पेस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने दो बेसिकली एग्जाम्पल्स की, एक हमने फंक्शंस स्पेस और दूसरा के हमने डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस उसको हमने डिस्कस किया.